गाइस वेलकम टू पाकिस्तान एरिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, बहुत ही ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन हिल स्टेशन वर्सेज पाकिस्तानी हिल स्टेशन, फुल कंपेरिजन अनबायस्ड इन हिंदी। तो आज हम देखेंगे हिल स्टेशन जो कि मतलब पहाड़ी एरियाज होते हैं पाकिस्तान के, और वो इंडिया के कौन कौन से फेमस हैं और कौन कौन से, मतलब काफी टूरिस्ट जाते हैं इन जगहों पे, तो मोस्टली लोगों को नाम पता होंगे। हाँ। तो देखते हैं भाई कौन कौन से इसमें हिल स्टेशन आते हैं और मतलब कैसे कंपैरिजन इनका होने वाला है। हाँ। तो इंडिया टॉप फैक्ट का ये वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेस्ट किस्म की वीडियोस बनाती हैं। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हिल स्टेशन एक ऐसा टाउन या शहर को कहते हैं जो कि बाकी टाउन से हायर एलिवेशन पर लोकेटेड होता है। पहाड़ों के बीच बहुत सारे घर होना इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसा कि आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। हिल स्टेशन एक बेहद ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है। इंडिया के हिल स्टेशन हो या पाकिस्तान के, सभी ट्रैवलर का ड्रीम होता है इन हिल स्टेशन पर पीसफुली टाइम बिताना। यहाँ के नज़ारे हो या अलग अलग तरह के लोग, सभी चीजें आपके मन को फ्रेश और शांत कर देगी। आज के इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को कंपेयर करेंगे। यहाँ घूमने के सही मौसम से लेकर इन हिल स्टेशन के स्पेशल प्लेसेस तक, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। हिल स्टेशन वर्ड ज्यादातर कॉलोनियल एशिया या इंडिया में इस्तेमाल होता है। इंडिया में ज्यादातर हिल स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 1000 से 2500 मीटर के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड होते हैं। हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत व्यू और उससे भी ज्यादा खूबसूरत मौसम के लिए जाने जाते हैं। हिल स्टेशन पर ज्यादातर ठंडी का मौसम ही बना रहता है। इंडिया के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड हिल स्टेशन पर्टिकुलरली टूरिस्ट को पसंद आते हैं। नॉर्थ इंडिया में घूमने की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हिल स्टेशन ही बताई जाती है। इंडिया के लोग समर के सीजन में सबसे ज्यादा हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं, स्पेशली वहाँ के ठंडे मौसम को एंजॉय करने और सीनिक ब्यूटी के लुफ्त उठाने। वहीं अगर आप नेचर लवर हैं जो माउंटेन्स और लेक्स के व्यूज को अपने होटल्स रूम में चाय के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के हिल स्टेशन वन ऑफ द बेस्ट में से एक है। वैसे तो पाकिस्तान के लोग चार मौसम को एंजॉय करते हैं, लेकिन इन हिल स्टेशन पर घूमने से अलग ही सुकून मिल सकता है। वैसे तो स्प्रिंग और समर सीजन हिल स्टेशन में घूमने के लिए बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन विंटर सीजन में बर्फ का मजा भी उठाने का अलग ही होता है। नंबर 2, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। इंडिया में वैसे तो बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, लेकिन मनाली वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बेस्ट हिल स्टेशन में से एक माना जाता है। मनाली कुल्लू वैली के नॉर्थ एंड में लोकेटेड है। दो पहाड़ों के बीच मौजूद हिमाचल प्रदेश की ये जगह बेहद ही खूबसूरत है। अगर आपको स्नो पसंद है तो मनाली आपके लिए बिल्कुल स्वर्ग के जैसा ही होगा। मनाली नॉर्थ इंडिया की सबसे पीसफुल जगह होने से एक है। अगर आपको एडवेंचर और स्पोर्ट्स पसंद है तो मनाली में आपको बहुत सारी चीजें करने को मीटर्स जाएगी। ये ब्यूटीफुल जगह 2050 मीटर की एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। केवल एक बार यहाँ घूमने से आपको पता चल जाएगा कि ये जगह हिमाचल टूर पैकेजेस की बेस्ट जगह क्यों बताई जाती है। मनाली घूमने का बेस्ट मंथ है मार्च से जून के बीच का समय। इस वक्त बाकी जगहों पर गर्मी होती है, लेकिन कुल्लू मनाली का मौसम सबसे सुहाना होता है। मनाली से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट 50 किलोमीटर की दूरी पर भुंतर में है। अगर आप मनाली जाएं तो हिडिंबा देवी टेंपल, ब्रिगू लेक, पिन वैली नेशनल पार्क, मनाली सेंचुरी, वशिष्ठ टेम्पल और जोगनी फॉल जरूर घूमेगा। मनाली एक बहुत ही फेमस हनीमून डेस्टिनेशंस भी है। वहीं पाकिस्तान में भी बहुत से हिल स्टेशन हैं जो कि बेस्ट माने जाते हैं। उन्हीं में से एक हिल स्टेशन है मरी। मरी पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन है। ये जगह इस्लामाबाद कोहाला हाईवे N75 से 30 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट साइड पर लोकेटेड है। भले ही आप इस जगह पर कभी न आए हो, लेकिन इसकी तस्वीरें पोस्ट कार्ड या कैलेंडर्स पर जरूर देखी होगी। मरी इस्लामाबाद में स्थित एक बहुत ही फेमस जगह है। ये जगह 2100 मीटर के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। विंटर्स में यहाँ के स्नोफॉल का मजा उठाने कई लोग आना पसंद करते हैं। नंबर 3, नंबर ऑफ हिल स्टेशन। मेजोरिटी ऑफ हाईएस्ट हिल स्टेशन इंडिया में ही लोकेटेड है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 प्रिंसिपल माउंटेन रेंजेस है। उनमें से सबसे लार्जेस्ट है हिमालयन रेंज, जो की नॉर्दर्न इंडिया में लोकेटेड है। कुल्लू मनाली के अलावा इंडिया में गुलमर्ग, शिमला, नैनीताल, कसोल, श्रीनगर, अल्मोरा और शिलांग भी बहुत फेमस है। आप ट्रेन की मदद से इन सभी जगहों पर आसानी से जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में भी कई सारे हिल स्टेशन मौजूद हैं, जैसे कि गिलगित जो कि पीओके में स्थित है, शोगरन, कलाम, मलम जब्बा और गोराख हिल स्टेशन। ये जगह इस्लामाबाद से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। इंडिया के हिल स्टेशन में कुछ बेहद ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि व्हाइट वाटर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग और बंजी जंपिंग।
वहीं पाकिस्तान अपने शान स्नोइंग हिल स्टेशन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ लोग स्नो पर स्कीइंग करना बेहद ही पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ कई स्की रिसोर्ट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग भी एक बहुत ही फेमस चीज है यहाँ करने के लिए। तो दोस्तों, आपका फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तो यार, हिल स्टेशन के मामले में हम किसी को फेवरेट नहीं रखते, क्योंकि ऐसी जगह दोनों की बहुत कमाल की होती है। हमें नेचर से लाभ है, नेचर से खुद लाभ है। सीरियसली बोल रहे हैं, नेचर वाली जगह बहुत ही ज्यादा यार हम पसंद करते हैं, क्योंकि चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, हमें नेचर हर जगह का। सीरियसली यार, नेचर लवर है बहुत ज्यादा, हमें नेचर पसंद है बिल्कुल। और मैं कहता हूँ शिमला मनाली, इनकी भी अपना ही मजा है। और मरी शिमला मरी कलाम, इनका भी अपने मजा, इनका भी अपने मजा है। तो इनमें कोई हम वो नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, क्योंकि ब्यूटी बनाने वाला खुदा है। तो इस चीज में बिल्कुल हम कुछ नहीं कह सकते हमें कौन सा। हमें तो यार पर्सनली इंजॉयमेंट चाहिए होती है, और बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो तो ऐसी जगह पर जाकर आप मजे ले सकते हैं। और सच में जिस तरह की वीडियोस में हम मतलब इंडिया की वीडियोस देखते हैं, मतलब इस तरह यार शिमला मनाली, इनको तो मैंने हद से ज्यादा सुना हुआ है, ज्यादा इसका देखा, इनका मैंने हद से ज्यादा सुना हुआ है। शिमला मनाली बहुत फेमस है यार इंडिया में, बहुत ही ज्यादा इनका। जिस तरह पाकिस्तान में मरी और नारायण का कलाम है, जिस तरह अभी ये बहुत बहुत ज्यादा, यानी दुनिया से जो भी टूरिस्ट आता है सबसे पहले इन जगहों पे लाजमी जाता है वो। या जिस तरह इसी तरह शिमला वो इधर और मनाली, तो हद से ज्यादा मैंने इनका नाम सुना है, क्योंकि मुझे जब वीडियो स्टार्ट हुई थी मुझे तब से लगा था कि ये होगा। और मुझे और जब स्टार्ट हुई थी मैंने खुद यही दो सोची, मैंने कहा ये कोई वन हो ये लाजमी, ये लाजमी। वैसे तो हिल स्टेशन से भरा पड़ा है इधर, कोई मतलब कमी नहीं है हिल स्टेशन की, लेकिन बहुत ज्यादा जो फेमस है उनका नाम बताया। बिल्कुल, वैसे तो भाई कमी नहीं है। वैसे इधर इंडिया में इस लिहाज से देखा जाए तो इतने हिल स्टेशन है जिसकी हद कोई नहीं है। इधर ना पाकिस्तान में केपी के साइड पर और सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा है हिल स्टेशन, केपी के साइड पर, इस्लामाबाद के साथ, इस्लामाबाद इधर भी बहुत ज्यादा, इधर बहुत ज्यादा हिल स्टेशन है। सिंध में आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उधर सी व्यू मिलेगा और फोर्स वगैरह मिलेंगे उधर भी अपना, लेकिन एक उनका अपना भाई अपना है हर जगह। मतलब इस तरह जिस तरह इंडिया में चारों मौसम है, इधर पाकिस्तान में भी चारों मौसम, हर जगह अपने मौसम अपने स्पेशलिटी के लिए मशहूर है। मतलब उसकी कौन सी जगह स्पेशल है उस जगह के लिए हर जगह मशहूर है। आप बताएं आपका फेवरेट हिल स्टेशन कौन सा है, वो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।